बजट 2023 तो आपने जरूर देखा होगा और उसमें यह भी सुना होगा कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने एक न्यू टैक्स रिजिम के तहत कुछ ऐसी चीज दी है आपको कि आप चाहेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम की तरफ आकर्षित हो, जैसे कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको केवल 5 लाख तक टैक्स नहीं देना होता था। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अधिकतर टैक्स पेयर्स, खासतौर से एम्प्लॉय इवन दो सेल्फ एम्प्लॉयड भी, सभी कंफ्यूज होंगे कि हम टैक्स रिज्यूम न्यू में जाएं या ओल्ड टैक्स रिज्यूम में जाएं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने लाया हूं बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन केस स्टडी, जिसके द्वारा आप तरह तरह के केसेस में ये जान पाएंगे कि अगर ऐसा होगा तो आपके लिए ओल्ड स्कीम अच्छी होगी, ऐसा होगा तो नई स्कीम आपके लिए अच्छी होगी। तो अब इसमें हमें आपको बहुत सारे केस बताने होंगे और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस वीडियो में आपकी बहुत सी वैल्यू मिलने जा रही है क्योंकि आपको पैसा बच रहा है, बहुत सारे पैसे बचने जा रहे हैं आपके अगर इस वीडियो को देखकर के आपने अपना आइडिया भरा और टैक्स रिजिम को चुना। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूं इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को, अगर इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया तो बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको इस तरीके के नए नए और इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहे। तो मैं प्रेजेंटेशन बनाया है, राजस्थल पार्क ने इसको बनाया है और प्रेजेंट मैं राजकुमार सक्सेना, राजस्थल पार्क का ओनर आपको कर रहा हूं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम पहले मैं आपको बताता हूं क्या है, हालांकि अधिकतर टैक्स पेयर ओल्ड रिजिम में जानते हैं क्या है। 2023-24 में इसमें क्या अमेंडमेंट हुए, क्या नहीं हुआ है, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक बहुत ही मतलब ओनली वन स्कीम हम इसको बोल सकते हैं कि जब तक नई स्कीम नहीं आएगी तब तक ये एक ही टैक्स लेवल वाली स्कीम चल रही थी, जिसको हम आज के डेट में ओल्ड इनकम टैक्स रिजिम बोलते हैं। नया जो रिजिम आया है, टैक्स रिजिम आया, वो बजट 2020 में प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 2020 में मैंने अधिकतर टैक्स पेयर्स को देखा है कि अगर उनके पास डिडक्शंस हैं तो वो जो है ना ओल्ड रिजिम को ही फॉलो कर रहे हैं, नए रिजिम की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे। 2023 में एक ऐसा कारनामा किया है हमारे वित्त मंत्री जी ने कि इसमें अब लोग आकर्षित होने लगे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम ओल्ड टैक्स रिजिम में क्यों जाएं, जबकि टैक्स रिजिम में हमें 2 लाख का बेनिफिट हो रहा है, 2 लाख तक के इनकम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, यहाँ पर 5 लाख तक ओल्ड में, न्यू में 7 लाख तक है। आपका क्वेश्चन जायज है, लेकिन बहुत सारे इफ एंड बट के बाद ही आप इस चीज को सोचिएगा, क्योंकि 7 लाख इधर जरूर है, यहाँ 5 लाख जरूर है। अगर आपके पास टैक्स रिबेट है तो आप 7 लाख से ज्यादा की इनकम पर भी कम टैक्स दे करके अपना रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन वहाँ 7 लाख के चक्कर में पड़े तो हो सकता है कि आपके पास डिडक्शन तो आपके एप्लीकेबल होंगे नहीं। मैं आपके सभी लाभ हानि इसमें बताने जा रहा हूँ, मैं जो कि प्रेजेंटली अभी 2023-24 में जो टैक्स लेवल चल रहा है, ₹0 से 2,50,000 तक अगर आपकी इनकम है तो 0% है, अगर 2,50,000 से 5 लाख तक है तो 5% है, लेकिन ध्यान रहे 5% टैक्स बनेगा और इसमें रिबेट के द्वारा आपका टैक्स 0 हो जाएगा, तो आप ये मान लीजिए कि ये 0% है। अब आगे बढ़ते हैं, 5 लाख से अगर आपकी ज्यादा इनकम है, 10 लाख तक है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो उस पर टैक्स देना होगा 30%। ये हमारी ओल्ड टैक्स रिजिम के अवेलेबल है टैक्स स्लैब से। आल्सो दिस टैक्स रिजिम हैज हायर टैक्स रेट, आल्सो ऑफर्स अ लॉट मोर वेज टू सेव योर टैक्स। पहले ओल्ड टैक्स रिजिम ही था तो इसमें बहुत सारे तरीके बताए गए थे कि लोग बचत को बढ़ावा दें, लोग इन्वेस्टमेंट करें, लोग ये करें, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स दे रखे थे जो आज भी चल रहे हैं इसमें, और यही रीजन है कि न्यू टैक्स रिजिम को इतनी ज्यादा मान्यता अभी तक 2020 से 2023 तक नहीं मिली और ओल्ड रिजिम को ही लोग ज्यादा फॉलो कर रहे थे, लेकिन इस साल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और रियल में कंफ्यूजन होना भी चाहिए, बहुत बेनिफिट दिए गए न्यू टैक्स रिजिम में, तो हमें कंपेयर करके ही जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको एक तो बेनिफिट मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, वो सीधा सीधा 50,000 तक है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, लीव ट्रेवल अलाउंस भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, सेक्शन 80C की डिडक्शन है जिसमें आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं, अदर डिडक्शन भी हैं 80C से लेकर के 80U तक, उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं, 80G का भी बेनिफिट ले सकते हैं, हाउस एंड प्रॉपर्टी का भी अगर आपने लोन लिया है तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, प्रिंसिपल का भी बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलता है। तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम के बेनिफिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यू टैक्स रिजिम ये आपको जानने की जरूरत है क्योंकि ये लुभा रहा है आपको, कंफ्यूज कर रहा है कि हमें न्यू टैक्स रिजिम में जाना है ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है। एक चीज और बता दूं कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको कंपलसरीली अगले साल से जाना ही जाना है, जब तक कि आप एक लिखित में लेटर नहीं देते हैं कि नहीं मेरे को ओल्ड टैक्स रिजिम में ही भरना है अपना रिटर्न, एक आपको लेटर के द्वारा ये कंफर्मेशन देना पड़ेगा, कंसेंट देना पड़ेगा। 0 से 3 लाख तक 0% है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% है और 6 लाख से 9 लाख तक 10% है। तो 6 लाख से 9 लाख तक अगर आपकी 7 लाख ही इनकम है, 7 लाख के बीच में ये इनकम है, तो चाहे ये 5% हो चाहे 10% हो, टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपको 25,000 के आसपास आएगा, वो टैक्स आपको रिबेट मिल जाएगी और 7 लाख तक आपको 0% ही होगी, ये भी 0 माना जाएगा और ये भी 0 माना जाएगा, टैक्स यहाँ पर भी है, टैक्स यहाँ पर भी है, लेकिन 7 लाख तक आपको 0 टैक्स लगेगा, रिबेट के द्वारा आपका टैक्स 0 हो जाएगा।
पर जब टैक्स नहीं है तो उस पर सेस भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15% टैक्स लगेगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% टैक्स लगेगा, 15 लाख से ज्यादा पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। तो जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा होता है तो यहाँ पर ये टैक्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, 15%, 20%, 30%, ठीक है ना। तो अभी मैंने अभी कंक्लूड नहीं किया है कौन सी स्कीम में जाना है, हम केस स्टडी के द्वारा आपको बताएंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। चलते हैं अब न्यू इनकम टैक्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट सेक्शन अंडर सेक्शन 80। रुकिए, ऑल्दो द टैक्स रेट्स आर लोअर, वेरियस डिडक्शन दैट वेयर अलाउड अंडर द ओल्ड रिजिम आर नो लॉन्गर अवेलेबल। मैंने यहाँ पर आपको बोल्ड में बताया है, ध्यान रखिएगा, और इस स्लाइड को मैं अपनी वेबसाइट पर डालने जा रहा हूँ ब्लॉग के रूप में, आप वहां पर भी इसको देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट का नाम है rajeshkumar.com। तो अब आगे आते हैं, अगर हमें 80 सेक्शन 80 की डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है तो क्या अवेलेबल है, क्यों लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें न्यू टैक्स रिजिम लेना चाहिए। आते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, तो इसमें भी होता है। फैमिली पेंशन ओल्ड में भी मिलती थी तो न्यू में भी मिल रही है, 15,000 था। अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस एज पर फाइनेंस बजट 2023 आर एस फॉलोज, क्या क्या है सिग्निफिकेंट चेंजेस जो किए गए हैं 2020 से 2023 के बीच में, और खासतौर से 2023 के बजट में। पहले जो लीव इन्वेस्टमेंट होती थी उसका जो बेनिफिट था वो 3 लाख से 3 लाख तक था, अभी 3 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। और एक बेनिफिट दिया है, रिड्यूस्ड सरचार्ज रेट ऑन इनकम ओवर 5 करोड़ हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 37% टू 25%। सरचार्ज लगता था वो सरचार्ज भी 37% से सीधा 25% बढ़ गया, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी हायर इनकम है उनको। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल 2023-24 से इट विल बी द डिफॉल्ट स्कीम एंड इफ यू विश टू कंटिन्यू ऑन द ओल्ड स्कीम यू हैव टू सबमिट अ लेटर अलोंग विद आईटी। तो अभी जैसे मैंने इसके पहले जस्ट बताया था कि 2023-24 से ऑटोमेटिक डिफॉल्ट स्कीम बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओल्ड स्कीम की तरह स्कीम मोनोपोली हो जाएगी। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा अपना आईटीआर रिटर्न भरते समय कि आप अब एक लेटर के द्वारा एक क्लियर करें कि मैं ओल्ड रिजिम में ही जाऊंगा। आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड बहुत सारे फैक्टर्स पर करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द रिबेट लिमिट हैज बीन इंक्रीज अप टू 7 लाख, सो अलोंग विद द स्टैंडर्ड डिडक्शन इफ योर सैलरी इज अप टू 750 देयर विल बी नो टैक्स। तो वहां पर 550 तक नो टैक्स था, यहाँ पर 750 तक नो टैक्स है, आपको 2 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लिया जा रहा है न्यू टैक्स रिजिम में। चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड पर जहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। मुझे मालूम है कि आप बहुत ही बेहतर ध्यान से सुन रहे हैं और आपको ये कंफ्यूजन पाना है, यहाँ पर मैंने केस स्टडी करवाना शुरू कर दिया है किस केस में क्या होगा। द स्कीम टू चूज लार्जली डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ इनकम एंड द अमाउंट ऑफ डिडक्शन यू कैन क्लेम। हमें ये देखना है यहाँ पर कि हमें ओल्ड स्कीम में जाना है कि न्यू स्कीम में जाना है। तो नेट सेल में मैं आपको बता दूं, इफ यू कैन क्लेम अलॉट ऑफ डिडक्शंस यू शुड प्रिफर द ओल्ड स्कीम। आप कितनी डिडक्शन कर सकते हैं सभी मिला करके, जैसे मान लीजिए आपने लोन भी लिया हुआ है तो 1.5 लाख तक वहाँ भी मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट पर, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एटीडी में भी आपको 50,000 तक डिडक्शन मिल जाएगा, एटीसी में आपको 1.5 लाख तक डिडक्शन मिल जाएगा। अगर हम ऐसे देखें तो आपको अब 4 लाख तक डिडक्शन मिल जाता है एटीडी का। तो इन सबको मिलाकर इवन एचआरए का भी आपको बेनिफिट मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपके पास डिडक्शन सभी अवेलेबल हैं, आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको जाना चाहिए ओल्ड टैक्स रिजिम। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है और हायर लेवल पर जा रही है तो आपको चूज करना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम। लेकिन ये मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा एग्जाम्पल देकर। जनरली एक नेट सेल्स में यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि सैलरी इनकम अगर आपकी 7.5 लाख तक है तो आप न्यू टैक्स रिजिम में जाइए या उससे ज्यादा है, और अगर आपकी इनकम उससे कम है तो आप उसमें जाइए ओल्ड टैक्स रिजिम में, और 7.5 लाख से ज्यादा है और आपके पास डिडक्शन है तो आप बहुत स्कीम में से अपना बेनिफिट चुनने के बाद जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब विच टू चूज, कौन सी स्कीम आपको चूज करनी है। पहला केस मैं आपको बताता हूँ जहां पर मैंने आपकी इनकम ली है 9 लाख, न्यू रिजिम में भी 9 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड स्कीम में भी 50,000 मिलेगा और न्यू स्कीम में भी आपको 50,000 मिलेगा, राइट। टैक्सेबल इनकम आपकी बनी 8,50,000। टैक्स कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका टैक्स बन करके आएगा 82,500 ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में 40,000। यहाँ पर हमने एक प्रेजम्पशन लिया है कि आपके पास एटीसी की कोई भी डिडक्शन नहीं है, नो डिडक्शन आर क्लेम, क्लियर। तो आपको अगर आपके पास कोई भी डिडक्शन नहीं है यू मस्ट गो फॉर द न्यू रिजिम, अदरवाइज यू विल लॉस्ट टू मच मनी इन द टैक्स। ये है टैक्स प्लानिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ केस स्टडी में, जबकि आपकी इनकम 9 लाख या उसके ऊपर है या उसके नीचे है, एटलीस्ट 9 लाख है, तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा अगर आपके पास डिडक्शन नहीं है और आप ओल्ड स्कीम को चुनते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आया कि अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है और आपकी इनकम 9 लाख या उसके ऊपर है तो आपको न्यू रिजिम में जाना चाहिए।
इन दिस केस आप सेव कर सकते हैं 44,200 अंडर द न्यू स्कीम। 44,200 रुपए का फटका लग जाएगा अगर 9 लाख आपने इनकम कमाई है और आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है। चलते हैं अगली केस स्टडी में जिसमें मैं आपको बताऊं। दूसरा केस हमने लिया है, यहाँ पर भी 9 लाख इनकम हमने ली है, लेकिन यहाँ पर हमने प्रेजम्पशन किया कि आपको 80C 80D में आपकी बहुत सारी डिडक्शन अवेलेबल है। एक प्रेजम्पशन किया कि आपके पास करीब 2.5 लाख रुपए का आपके पास डिडक्शन अवेलेबल है, तब क्या होगा, 9 लाख है यहाँ पर, 9 लाख है डिडक्शन आपके 2.5 लाख है, यहाँ पर आपको डिडक्शन की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो टैक्सेबल इनकम 6,50,000 बनी, यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 8,50,000 बनी। टैक्स कैलकुलेट करिए, यहाँ पर टैक्स 42,500 बना, यहाँ पर टैक्स 40,000। तो यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ तो आपको न्यू रेजिम ही बेनिफिशियल दिख रही होगी, क्लियर। तो यहाँ पर इस स्कीम में अगर आपके पास 2 लाख ही टैक्स डिडक्शन है तो भी अगर 9 लाख इनकम है तो आप न्यू रेजिम में ही जाए तो आप सेव कर लेंगे 2,600 रुपए। तीसरे केस स्टडी में आपको बताता हूँ। तो इस केस स्टडी में हमने इनकम ली है बहुत ज्यादा, उस स्टडी में तो आपको बेनिफिट ओल्ड स्कीम में मिल जाएगा 9 लाख वाले में, और हम 5,50,00,000 रुपए की इनकम लेकर के चल रहे हैं, वो तो सैलरी इनकम की थी। अब यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सोच के चलते हैं कि कौन सी स्कीम बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर मैं नट सेल में बोलूँ कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो न्यू रिज्यूम ही जरूरी है अगर उसकी इनकम 7 लाख प्लस है और डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। इवन दो डिडक्शन अगर फुल वैल्यू में अवेलेबल नहीं है तो भी उसको न्यू रिज्यूम में जाना चाहिए, फुल वैल्यू में अवेलेबल है तो ओल्ड रिज्यूम में जाकर के बेनिफिट ले लें और टैक्स बचा लें। तो अब हम इस तीसरे केस की जो स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं वो बिजनेसमैन के पॉइंट से है कि आपकी इनकम सपोज करिए 5.5 CR है और आपके पास डिडक्शंस ऑफ ₹3.75 lakhs आर अवेलेबल। कितनी डिडक्शन अवेलेबल है आपके पास, कुल 3,75,000 या 4 लाख की भी पकड़ लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिए क्या फर्क होगा, इनकम आपकी 5,50,00,000 है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आपने 3,75,000 ले लिया, 4 लाख भी ले लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, यहाँ पर आपको डिडक्शन 0 मिल रहा है। टैक्सेबल इनकम 5,40,25,000 हो गई तो यहाँ पर 5,50,00,000। टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस मिला करके 2,30,81,760 रुपए का आपको यहाँ पर टैक्स बनता है और न्यू रिज्यूम में बन रहा है 2,10,02,10,60,000। अल्टीमेटली बेनिफिट कहाँ होगा, न्यू रिज्यूम में ही होगा। तो यही पर्पज था हमारे वित्त मंत्री जी का 2023 के बजट में कि लोग न्यू रिज्यूम की तरफ अट्रैक्ट हों, और हमने 3-4 केस स्टडी करके आपको ये बता दिया कि क्यों न्यू टैक्स रिज्यूम बेनिफिशियल है। कंक्लूजन वाला पेज है जिसका आप इंतजार कर रहे थे और वीडियो का भी एंड होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि हमें क्या चूज करना चाहिए था। बहुत ही क्लियर शब्दों में मैंने लिखा है, सो टू कंक्लूड फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस अवेलेबल टू यू अंडर द स्कीम। जब आप ये डिसाइड करने बैठे कि मुझे नई स्कीम में जाना है कि ओल्ड स्कीम में जाना है, आप अपने डिडक्शंस को एग्जम्पशन को नाप लीजिए, कॉल लीजिए और टैक्स स्लैब में डाल करके देख लीजिए, उसके बाद में डिसाइड करिएगा पहला। दूसरा, अगर आप सैलरीड पीपल हैं, If you can claim deduction between 250 to 375 lakh, then depending on your level of income, you should generally stick to the old scheme. इसके लिए terms condition ये है कि आपके पास अधिकतर deductions available होने चाहिए, 4 लाख तक इसकी लिमिट होती है, वहाँ तक अगर आपके पास deduction available है और आपका जो tax है 9 लाख तक है 10 लाख तक है तो फिर आप compare करके देख लीजिएगा कि new scheme में ज़्यादा tax लगा है या इसमें tax लगा है। अगर old scheme में आपका tax बच रहा है तो आपको जाहिर सी बात है old scheme में ही इसे रहना चाहिए। But if your deductions are anywhere below the above mentioned amounts, the new scheme will surely benefit you. For high net worth individual, the new scheme tends to be beneficial to you. So this is my conclusion on the basis of various case study. अगर high net worth value है, high income value है, तो आपको new scheme में ही जाना है, वहीं पर आपको benefit मिलेगा, old scheme आपको beneficial नहीं रहेगी। New old scheme सिर्फ और सिर्फ salaried employee के लिए और जिनके पास deductions available हैं 6,00,000 से up to 4,00,000 तक, तो वो ओल्ड स्कीम पर टिके रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों में कंपेयर कर लें तभी ओल्ड स्कीम में टिके रहें। तो मैंने आपको यहाँ पर कंक्लूजन बता दिया है, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो वॉच करने के लिए। आप हमें 7357254804 पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी डिजिटल पार्ट में ITR और GST का काम होता है, साथ साथ में वेबसाइट भी बनाई जाती है, लोन इंश्योरेंस का भी काम होता है, बहुत ही कम कीमत पर आप आकर के हमसे ITR भी करवा सकते हैं और हमारी वेबसाइट rajdigitalpark.com को विजिट कर सकते हैं और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, आप क्या चाहते हैं। अपना कोई भी डाउट आप लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं उसकी रिप्लाई दूंगा तो मुझे और खुशी होगी, और अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो और ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ
चलते चलते मैं आपसे फिर बोलूंगा कि जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इंतजार करिएगा मेरे अगले वीडियो का। नमस्कार।